हमने कुछ देर के लिए रुकना मुनासिब समझा और एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा शेल्टर मिला हमें। तो चारपाइयाँ उस पर लगी हुई थी और मस्जिद जिस तरह होती है नमाज़ पढ़ने की जगह। तो यहाँ कुछ देर के लिए रुके, जैसे ही बारिश रुकती है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी जुनैद साहब नीचे, चलो जी नीचे। सरकार जी नीचे जाना है हमने और डैम की तरफ जाएंगे। आप देखो जैसे कि नज़र भी आ रहा है फुटेजेस में कि ग्रीन कलर का बिल्कुल पानी है और लेट्स सी के क्या मज़ा देता है। और क्यों सरकार मोटरसाइकिल चला रहे हो, मज़ा आ रहे है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बाइक है। बाइक नहीं अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। बाइक तो सलफ स्टार्ट भी नहीं हुआ, सलफ ही नहीं हुआ बाइक को, किक मारनी पड़ी, जुगाड़ लगा के स्टार्ट किया, लेकिन व्यू बहुत प्यारा है। मैं तो वैसे मूड में था ही नहीं आने के, लेकिन यार वैसे गाड़ी वाला नहीं था। मशवरे बहुत अच्छे देते हो। हाँ क्योंकि इन्होंने कहा गाड़ी लेके आओ, ये गाड़ी वाला रास्ता ही नहीं था और इन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी लेके आओ, इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने कहा नहीं सर आई लव यू। मैं कहता हूँ आप, ये आपकी वजह से हम बचे हैं। देखो आप मुझे बताइए रोड पे गाड़ी क्या चला, ये देखें देखें जरा ये रोड पे, और ये आप बताएंगे मुझे डैम आप देखें। मैं सबको ये मशवरा देना चाहूँगा कि आप लोग अगर आना चाहते हो हैवी बाइक्स लाओ। हैवी बाइक्स लाओ या हैवी बाइक का क्या मतलब है, 125 YBR और 5BR 125 होंडा का नहीं काम करेगा, होंडा का भी काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जगह बाइक पे मज़ा करती है, क्योंकि आपको जहाँ खूबसूरती नज़र आती है, जहाँ तक आपकी अप्रोच नहीं पहुँचती गाड़ी की, आप बाइक को बहुत ईजीली यूटिलाइज कर सकते हैं हर काम के लिए। और मेरे ख्याल से मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। और आप व्यू पानी का देखें तो आपको ये जी ये वो वाइब बनता है जी, जिसकी वजह से हम बचे हैं। अगर यहाँ गाड़ी लाते तो मेरे ख्याल से फट जाती, क्योंकि साइडों पे आपकी जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ खाइयाँ हैं ज़बरदस्त किस्म की, और रोड भी इतना अच्छा नहीं है, चढ़ाइयाँ उतराइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो मामला जो है वो इस बंदे ने हमारे बचा दिए, जिसकी वजह से मैंने इस पर कैमरा मारा और मैंने ऑडियंस को बताना चाहेंगे ही इज़ द सेवियर। हम यहाँ से वापस क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने बाबा जी कह रहे हैं कि ये रोड बंद है, आगे से डैम का रास्ता। चलो 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 डैम वाली साइड पे चलो। देखो बात यह है कि आपको पावर की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आपको पावर मिल जाए और आपको लॉन्ग रूट भी उस पर, देखो शौक इसी तरह पैदा होते हैं, जब बंदे के पास चीज़ हो ना शौक पैदा हो जाते हैं। आपको पता हो कि मेरे पास इतना क्लास का बाइक है कि मैं सीज़न में 3-4 ट्रिप जो है वो मार सकता हूँ। मैं सीज़न में कहीं इस लॉन्ग रूट पे इसको निकल जाता हूँ। फिर आप छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाएंगे, फिर आप छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगे। सर व्यू देखें आप जी, खैर ऑडियंस एंजॉय करे व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के व्यू हैं जी। साइडों पे आप देखें डैम टाइप और रोड, और मतलब नेक्स्ट लेवल जगह है जी। यकीन नहीं आ रहा कि ये मुजफ्फराबाद है, क्यों मौसम सर ऐसे ही? वाकई जुनैद में अच्छी जगह है और बाकी हम इस जगह को देखने के लिए। ये आप कह रहे थे जी मैंने नहीं जाना, तो मतलब आप ना आते तो आप मिस करते ना फिर? नहीं मैंने अपना बात मनवाने के लिए थोड़ी सी ये तो यार ये क्रेडिट गोज टू यू यार, मतलब अगर मैं ये बात ना करता ये लोग खड़े निकल जाते यार। आई लव यू यार। वाह जुनैद व्यू है, इन्हें सब अंदर नहीं लेके जाना प्लीज, हमें भी आपकी जरूरत है। वैसे तो हमने रास्ता देख लिया। नहीं एक और बात बताऊं? नहीं नहीं देख लो आपको जगह हम ढूंढ के दे ही देते हैं कहीं पे भी। ये बात नहीं करो, अब जुनैद को हमारी जरूरत नहीं, अभी हमें जरूरत है खतीजा को, जरूरत है पापा की। इसलिए बोल ही जाएंगे पापा फिर भी जगह पे आ गए हैं।
वक्त मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ वो इंतहाई खूबसूरत है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, लश ग्रीन एरिया है और उसके पीछे जो पानी है उसका कलर भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो बिल्कुल ब्लू है। और एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत ट्रैक, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सब्ज़ बिल्कुल ग्रीन और जंगल का एक जो है वो ये नज़ारा दे रहा है और बहुत ही खूबसूरत है। और ये डैम की तरफ जा रहा है। जा रहे हैं और रास्ता जो है वो काफ़ी खूबसूरत है और बीच में मल्टीपल चीज़ें, कहीं पर जो है वो रास्ता बहुत ज़्यादा पथरीला है, कहीं पे पानी के छोटे छोटे चश्मे और किसी जगह पर जो है वो प्लेन्स हैं, तो मल्टीपल अप्स एंड डाउन्स हैं। मगर हम डैम की तरफ जा रहे हैं और डैम यहाँ से नज़र आ रहा है बहुत खूबसूरत है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, इस वक्त हम छोटी मोटी हाइक कर रहे हैं लेकिन पहाड़ के दामन में आपको डैम नज़र आएगा जो बहुत खूबसूरत है, जिसकी वजह से हमने इतना सफ़र किया। और बहरहाल डैम का पानी जो है वो बहुत खूबसूरत है, लश ग्रीन कलर का है। so यहाँ पर उन लोगों के नाम मेंशन हैं जो कि इस डैम को बनाने में जिन्होंने स्ट्रगल की और डैम बनाते हुए वो शहीद हुए, तो उनके नाम जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं और उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके सेक्रीफाइसेस को जो है वो कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। आज के ब्लॉग का अख्ताम होता है, बड़ा ज़बरदस्त डैम था जी, बड़ा इन्जॉय किया हमने मुजफ़्फ़राबाद में। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने कम टाइम के अंदर इतनी इन्जॉयमेंट हमारी होगी।